हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं वीवो X70 प्रो के लाइट डायग्राम के बारे में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आप हमारी आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये LCD कनेक्टर है जो हमारा डिस्प्ले लाइट एमोड वाली स्क्रीन जो लगी रहे इसके अंदर उसमें काम में आता है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इस बार चार्जिंग बोर्ड में ही लाइट आईसी दे दिया है। नहीं तो क्या रहता है कि हमारे बोर्ड में लाइट आईसी रहती है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि हमारे चार्जिंग बोर्ड में ही लाइट आईसी दे दिया। यदि आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आता है डिस्प्ले से रिलेटेड तो आप ये चेंज करके भी देख सकते हो। आपका डिस्प्ले ओके हो, फ्लैक्स ओके हो, तो फ्लैग्स भी यहाँ पे चेंज करके हमको देखना पड़ेगा। फ्लैग चेंज करके इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि फ्लैग्स के थ्रू ही कनेक्शन आ रहा है डिस्प्ले में, ये हमें चेंज करके देखना ज़रूरी है। चलिए अब कभी ये आपके इसमें अपने ये सर्किट पूरा ओके है, यदि आपका डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है फिर भी आपका डिस्प्ले पूरा ओके है तो उसके आगे की स्टेप क्या करना है हमें वो बताते हैं। अभी हम इसके आगे हमें ये करना है कि ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है इनकी सभी की वैल्यू चेक करनी है हमें। जो नीचे जा रहा है कनेक्शन, नीचे कहाँ जा रहा है, मदरबोर्ड से पत्ते के थ्रू होते हुए नीचे वाले बोर्ड में जा रहा है, जो बोर्ड अभी हमने देखा है। ठीक है, वो था हमारा लाइट सोल्यूशन वाला बोर्ड, ये है नो ग्राफिक्स सोल्यूशन वाला। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहाँ का स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ VCC वोल्टेज आए हुए हैं हमारे काय में, LCD में गए हुए हैं, और ये डायरेक्ट सप्लाई CPU में ही जा रहा है हमारा। ज़्यादातर ट्रैक है CPU में जा रही है। यदि आपके फ़ोन में कोई ग्राफिक्स नहीं आ रहा है या लाइट नहीं जल रहा है तो एक बार अब ये सप्लाई चेक कर लीजिएगा ज़रूर इसमें, क्योंकि MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है, यदि आपसे कुछ पॉइंट मिस हो रहे होंगे तो मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये दो पावर में से यहाँ से आए सप्लाई और ये धीरे धीरे ट्रैक है यहाँ से CPU में आई है जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये ट्रैक है CPU में आई हुई है जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक के आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। और एक बात और, हाँ, अगर यदि आपको कोई फ़ोन बनाना है तो आपको अगर पार्सल बेचना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।